अगला समाचार है 2024 में लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में। साहित्य में 2024 का नोबेल किसे मिला है? जवाब है, एक साउथ कोरियन राइटर हैं जिनका नाम है हान कांग। इनको नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 2024 में दिया गया है। और वजह क्या है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इनको किसी स्पेसिफिक किताब के लिए या इन्होंने कुछ लिख दिया हो, एक स्पेसिफिक कुछ एक इनका वर्क हो उसके लिए लिटरेचर का नोबेल नहीं दिया जा रहा। इनको नोबेल दिया जा रहा है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये थोड़ा फैंसी सा टर्म है, एक एक करके इसको समझते हैं। ये जो फैंसी अंग्रेजी लिख दी गई है कि इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनकी राइटिंग में दिखता है। इन्होंने जो भी अपना लिटरेचर लिखा है उसमें ये चीज नजर आती है, इसलिए भाई इनको 2024 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। एक एक पॉइंट समझते हैं। पोएटिक प्रोज, प्रोज का मतलब होता है गद्य जिसमें पोएट्री नहीं की जा रही है, मगर नोबेल पुरस्कार वालों का कहना यह है कि ये प्रोज भी इस तरह से लिखती है कि पढ़ते हुए आपको लगता है कि कविता गा रही है, कविता कह रही है। लिखा इन्होंने गद्य में है, पद्य में नहीं है, पोयम नहीं कही है, बट इनका जो पद्य है, इनका जो प्रोज है, वो भी ऐसा लगता है कि पोएटिक है। और साथ ही साथ ये जो पोएटिक सा लगने वाला इनका जो गद्य है, इसमें ये हिस्टोरिकल ट्रॉमास की बात करती हैं। भारत मानव इतिहास में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जो ट्रॉमा है कई जनरेशन तक रहता है। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, तो ऐसा तो नहीं था कि वो एक क्षण में आपने लाखों लोग मार दिए और बात खत्म हो गई, जो मरना था मर गए, जिनको नुकसान होना था थोड़ा बहुत हो गया और अब बस आगे बढ़ो, ऐसा तो है नहीं। जो रेडिएशन का असर है वो आज तक दुनिया में देखने को मिलता है और उन इलाकों में आज भी बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं, 10 तरीके की डेफिशिएंसीज के साथ में पैदा हो रहे हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी थी उसका एक जनरेशनल असर आपको देखने को मिला। इसी तरह से किसी सेना ने अगर कहीं पर एक बहुत बड़ा नरसंहार किया था, कहीं पर एक मास लेवल पर जो है लोगों के साथ अत्याचार किए थे, तो उसका भी जो असर है फिर वो लंबे वक्त तक रहता है। जैसे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं कि खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, ये जो आपकी ये जो कहावत है ये पंजाब के इलाकों में खूब चलती है कि जो भी आपने खा लिया पी लिया वो आपका है, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली आएगा वो लूट के ले जाएगा, लुटेरा था खूब लूट मार करी, तो उसके चलते कहावत बन गई और वो कहावत आज तक इस्तेमाल हो रही है पंजाब के इलाकों में, खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, यानी कि जितना खा लिया पी लिया वो सब आपका है, वो बाकी अहमद शाह लेकर चला जाएगा, आएगा लूट कर लेकर चला जाएगा। उसको मरे हुए इतना समय हो गया, वो सारी चीजें होंगी, बट वो जनरेशनल ट्रॉमा जो है आज तक चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन वो बात आपको बताई जा रही है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, जो जनरेशनल ट्रॉमाज होते हैं, हिस्टोरिकल ट्रॉमाज होते हैं, ये जो नोबेल वाले हैं इनका कहना यह है कि ये महिला जो इस तरीके से लिखती हैं हान कांग की, इनकी इनका जो गद्य है वो भी पद्य की तरह देखने को लगता है पोएटिक प्रोज में, ये जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास हैं इनको बहुत खतरनाक तरीके से कंफ्रंट किया गया है और इसके चलते ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है, कितना ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं एक कमजोर सतह पे खड़ी हुई है और भरभरा के गिर जाती है, कितनी छोटी छोटी बातों में मारकाट हुई है, इतना खून बहाया गया है, उसका जो मार्मिक वर्णन ये करती है वो एक वो मतलब जो है अपने आप में अनपैरेलल है, उसका अपने आप में कोई एक मुकाबला नहीं है। इसके चलते हम लोग हान कांग को लिटरेचर का नोबेल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं, इनका मगर जितना काम है उसमें आपको एक पर्टिकुलर थीम देखने को मिलती है। तो ऐसा कहते हुए 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में साउथ कोरियन राइटर हान कांग को दिया गया। फोटोग्राफ देख लीजिए, ये है हान कांग, जिनके बारे में ये नोवेल वालों का कहना है कि ये गद्य भी करती हैं तो पद्य की तरह लगता है, यानी कि पोयम्स की तरह लगता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास को इस तरीके से एड्रेस करती हैं कि उससे आपको इंसान की जान कितनी सस्ती थी, कितने भयंकर अत्याचार हुए हैं, जनरेशनल ट्रॉमा हिस्टोरिकल ट्रॉमा कैसा क्या रहा है वो आपको पढ़कर आपकी रूह कांप जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा नोवेल वालों का कहना है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, हान कांग है कौन? तो इनकी उम्र लगभग 53 साल है और ये पहली कोरियन है, महिला पुरुष की बात छोड़ दीजिए, पहली कोरियन है जिनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका जो लिटरेरी वर्क था, इनका जो लिटरेचर का करियर था, वो शुरू हुआ था एक पोएम्स की किताब के साथ में। इन्होंने अपनी कुछ कविताएं लिखी, उसकी फिर किताब छपी और वहां से फिर एक राइटर के तौर पर इनका करियर शुरू हुआ। इनकी जो पहली ब्रेक थ्रू किताब आई है या जो ब्रेक थ्रू नॉवल था उसका नाम था द वेजिटेरियन। 2007 में ये कोरियन भाषा में पब्लिश हुआ था द वेजिटेरियन, बाद में फिर 2015 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ उसके बाद इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों को पता चला कि बहुत गजब का एक लिटरेचर का वर्क है और इसको फिर खूब पढ़ा गया। इसके चलते इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था और भी दूसरे जो पुरस्कार हैं इनको इस पर्टिकुलर चीज के, इस जो द वेजिटेरियन है 2015 में इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद में इनको 50 जो है अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। उसके बाद में और भी दूसरी किताबें इन्होंने छापी थी, जैसे ह्यूमन एक्ट नाम की किताब है, एक द वाइट बुक है और ग्रीक लेसन है, ये सब पहले कोरियन में छप चुकी थी, तब इनको किसी ने नहीं पूछा। अंग्रेजी में जब ये किताब हिट हो गई और उसके बाद फिर लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, फिर भर भर कर इनकी किताबें ट्रांसलेट हुई और ट्रांसलेशन के बाद लोगों को समझ में आया कि क्या महिला है, क्या लिखती है, क्या गजब का लिटरेचर है इसका, और उसके बाद से इनको सम्मान मिलना शुरू हुआ और फाइनली अब जाके 2024 में इनको नोबेल का
जो है लिटरेचर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक किताब आप छांट नहीं पाए कि इसके लिए इनको नोबल दे दिया जाए, तो सारी किताबों में जो कलेक्टिवली जो थीम निकल कर आ रही है जो हमने डिस्कस करी उसके लिए इनको नोबल पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने को यहां से याद रखना है कि इस साल का नोबल किसको दिया गया है, हान गांग को दिया गया है, किसी किताब के लिए नहीं दिया गया, इन सारी किताबों में जो सर्टेन थीम देखने को मिलती है उसके लिए दिया गया। और प्राइमरीली जो प्रमुख प्रमुख किताबें हैं वो क्या है, पहला तो द वेजिटेरियन और उसके अलावा ह्यूमन सैक द व्हाइट बुक एंड द ग्रीक लेसन। ये ना भी ध्यान रहे तो द वेजिटेरियन का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर द वेजिटेरियन जो है ये पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, पहली कोरियन है, महिला की बात नहीं है, पहली कोरियन महिला, पहला कोरियन पुरुष, वो एक अलग हटा दीजिए, पहली कोरियन है जिनको लिटरेचर में नोबेल दिया गया, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसमें से और ज्यादा काम का अपने कुछ नहीं है, यही कि नोबेल किसको दिया गया है, हान कांग क्यों दिया गया है, कोई पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं, इस पर्टिकुलर शैली के लिए, और एक मेन किताब जो इन्होंने लिखी थी, इतना अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट की ये पहली कोरियन है जिनको नोबेल मिला, ये चार पांच खबरें बनती है, इसके अलावा यहां से और अपने काम का कुछ नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।